जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। इतिहास के वो पन्ने जो शायद क्लास टेंथ के बाद आपने बंद कर दिए होंगे, ये सोचकर कि अब इतिहास की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इतिहास मानवता का दर्पण है। अगर मानव को अपने विकास क्रम को समझना है, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अगर मानव को अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास मानवता का दर्पण है। बड़ा सेंसिटिव विषय है, बड़ा सेंसिटिव विषय है। व्यक्तिगत तौर पर पढ़ा जाए, व्यक्ति के तौर पे हिंदू की तरह पढ़ा जाए, मुस्लिम की तरह पढ़ा जाए, दलित की तरह पढ़ा जाए, ब्राह्मण की तरह पढ़ा जाए, तो विष बन जाता है, विष बन जाता है, विष। क्योंकि पर्सपेक्टिव जो है, पर्सपेक्टिव, परिपेक्ष, परिदृश्य प्रेजेंट करने वाले पर निर्भर करता है, तथ्यों पर निर्भर करता है। लेकिन इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य, जो मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो। आने वाले 5-10 साल में बहुत सारे भाई बहन हमारे, हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो कि भारत समाचार भारत का एक ऐसा चैनल बना जिसने शिक्षा के प्रसार पर ध्यान दिया। उस दौर में जहां टीआरपी पे ध्यान दिया जाता है कि किस शो में टीआरपी आ रही है, उस दौर में भारत समाचार ने शिक्षा को महत्व दिया। ये औरंगजेब मुसलमान नहीं है, शासक की तरह देखो इसको, आप चश्मा उतारो, मुसलमान का, हिंदू का, इसको शासक के रूप में देखो। धार्मिक नीति मैंने आपको समझाई, इसकी गलती कर गया। इसके स्वभाव और इसके निर्णय दोनों में क्लैश हो जाता था, फंस गया। भारत जैसे विभिन्नतावादी देश में यह मुसलमान बन जाता था। कभी आपको मौका मिले तो आप एक किताब पढ़िएगा, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर की, बड़ी प्यारी नॉवल है, बहुत प्यारी। बड़े सारे इंस्टेंस आपको औरंगजेब के, अकबर के मिलेंगे, पढ़िएगा, व्यंग है और बहुत प्यारी नॉवल है, कितने पाकिस्तान, जरूर पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा आपको उसको पढ़ के। अब जो आदमी अपना ही घर मिटा दे, उस पर क्या क्रोध करना? जिसने आपका मिटाया हो तो क्रोध करना जायज है। किसी ने आपके घर में आग लगा दी, क्रोध करना जायज है। जिसने अपने ही घर में लगा ली, धार्मिक नीति, वो जो समरसता, वो जो भाईचारा अकबर ने बनाया, इसने उसको हिला दिया, तोड़ दिया। समझ नहीं पाया अपने समय को। राजा को तारीफ से ज्यादा अपनी नीति की सफलता पर ध्यान देना चाहिए। तारीफ तो आम आदमी का रोग है, और तारीफ में क्या रखा है? किसी को 100 ग्राम जलेबी खिला दीजिए, आपको राजा बना देगा। तारीफ में क्या रखा है? इसीलिए बहुत सारे धनाढ्य लोग जिनके पास धन है, उनके यहां 10 लोग हमेशा बैठे रहते हैं और हर चीज की तारीफ करते हैं कि भैया का कुकुर लाए हो भैया, ये तो देखे में शेर लागत है। सोचिए, धन का यह महत्व है कि अगर आपके पास धन है तो आपका कुत्ता भी दूसरों को शेर नजर आएगा। तारीफ की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो आपका शोषण करने के फिराक में है। नियम है ये न्यूटन का। मां बाप
रेयरिटी ऑफ रेयर में तारीफ करते हैं क्योंकि बनाना चाहते हैं। जो आपको बनाना चाहता है वो आपकी तारीफ नहीं करेगा, खुश होगा आपकी उपलब्धि पर। आप आईएएस बन गए, आपके मां बाप खुश हैं, पर फिर भी सिकंदर नहीं कहेंगे। इसीलिए उम्र के एक दौर में, 20 से 30 के दौर में, हर व्यक्ति को बाहर का आदमी बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आंटी बहुत अच्छी, अंकल बहुत अच्छे हैं, ये मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। मां बाप बहुत बुरे लगते हैं, जहर लगते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब 40 में आकर अपने बच्चों को संभालता है तब उसे एहसास होता है कि नहीं यार, दुनिया में मां बाप ही भगवान थे। राजपूत नीति। अब अकबर का दूसरा स्तंभ सबसे मजबूत राजपूत है। भारत में, भारतीय जो नक्शा है, पॉलिटिकल मैप, उसको आप उठाइए तो दिल्ली का आदमी जाएगा राजस्थान, दिल्ली और साउथ इंडिया के बीच दक्कन। आप एक पॉलिटिकल मैप लीजिए, सामने रखिए और दिल्ली ऊपर लिखिए और फिर लाल पूरा कवर करिए, लाल बनाइए दक्कन पे, फिर लाल बनाइए नॉर्थ ईस्ट पे, फिर लाल बनाइए राजस्थान पे, और इस तीनों इलाकों पर दिल्ली को कब्जा रखना है। तभी उसका भारतीय उपमहाद्वीप के सारे व्यापार वाणिज्य पर कब्जा रहेगा, और इकोनॉमी बना ले गया तो साम्राज्य बना ले जाएगा। राजपूतों से बड़ी अच्छी दोस्ती, अकबर के काल से वैवाहिक संबंध और न जाने क्या क्या। शाहजहां खुद, राजपूत प्रिंसेस जगत गोसाई का बेटा। लेकिन शाहजहां के काल से एक नया डेवलपमेंट मिलता है मुगलों की राजपूत नीति में, मैरिज अलायंस बंद हो गए। ये शाहजहां के काल से है, शाहजहां के काल से राजपूतों से मैरिज अलायंस बंद हो गए, वैवाहिक संबंध खत्म हो गए, चाहे तो उसकी जरूरत नहीं रही। और दूसरा, राजपूतों को महत्वपूर्ण प्रांतों का चार्ज नहीं दिया गया, ये शाहजहां के काल से है। हालांकि आमेर और जोधपुर शाहजहां के बड़े खास रहे, जसवंत सिंह, लेकिन यह एक अहम घटना घटी शाहजहां के काल में कि ना तो वैवाहिक संबंध बनाए गए, मैरिज अलायंस किया गया, और ना ही राजपूतों के महत्वपूर्ण प्रांतों का चार्ज दिया गया। शायद इसकी अब जरूरत नहीं रही, संबंध इतने प्रगाढ़ हो चुके थे। लेकिन आमेर और जोधपुर को विशिष्ट पद दिए गए, सम्मान दिया गया। कहानी आगे बढ़ी। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है तो राजपूतों के प्रति एक विशेष स्थान है उसका, एक विशेष बर्ताव है उसका। मेवाड़ के राणा महाराणा का मनसब बढ़ा दिया, गद्दी पर बैठते ही मेवाड़ के महाराणा का मनसब बढ़ा दिया। जसवंत सिंह का जो धर्मत का गुनाह है उसको माफ कर दिया। जसवंत सिंह दारा की तरफ थे, जसवंत सिंह मारवाड़ के दारा के सहयोगी थे, उनका गुनाह माफ कर दिया। सिर्फ माफ नहीं किया, उनको महत्वपूर्ण अभियानों पर रखा। और जयसिंह से तो विशेष दोस्ती रही, विशेष। औरंगजेब ने अगर किसी पर भरोसा किया तो जयसिंह पे किया। शिवाजी के खिलाफ अभियान में सेना का चार्ज दे दिया, अपने बेटे को नहीं दिया उसने, जयसिंह को दे दिया। और जयसिंह ने 1665 पुरंदर की संधि, शिवाजी को हराया, समझौता किया शिवाजी से, और 1666 में शिवाजी को आगरा के दरबार में लाए, इस शर्त पर कि आपको आगरा में कोई हानि नहीं होगी। देखो अब ये सब लिखा कहां है, अब तुम पूछोगे ये सब कहां लिखा हुआ है, इसलिए आज मैं एक किताब लाया हूं। ये देखो, ये है एनसीईआरटी सतीश चंद्रा, एनसीईआरटी सतीश चंद्रा, ये एनसीईआरटी है सरकार द्वारा प्रकाशित।
इसमें लिखा है। कहोगे कहां, तो मैं पेज भी आपको बता देता हूं, पेज नंबर 299। ये इंग्लिश वाली है, पढ़िएगा उसको, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी आप कुछ पढ़ाएं किसी को भी, आजकल तो बड़ा दौर चल रहा है, खुद ही टाइप करके दिखाते थे किताब, फला फला किताब में ये चार लाइनें लिखी हुई हैं, बड़ा आफत मचा रखा है लोगों ने सोशल मीडिया के रूप में। इस विभिन्नतावादी देश को बचाना सबका धर्म है, और जिस तरह से लोग लड़ा रहे हैं ना एक दूसरे को, नफरत पैदा कर रहे हैं, जहर पैदा कर रहे हैं, अगर लगेगी आग तो सबके मकान आएंगे लपेटे में। इस बस्ती में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, सब जाएंगे, सब। तो राजपूतों से एक विशेष बर्ताव कर रहा है, महाराणा का मनसब बढ़ा रहा है, जसवंत सिंह के गुनाह माफ कर रहा है, और जयसिंह की दोस्ती तो फेमस है। सेना का चार्ज देना किसी के बस की बात है? सेना का चार्ज दे दिया अगले आदमी ने, आप ही को उठाकर फेंक दिया। लेकिन मामला बिगड़ा 1678 के बाद, मारवाड़ और मेवाड़ को लेकर। अब देखना, अब आप जब इस कहानी को सुनना तो आप देखना कि बेवकूफी जो होती है, बेवकूफी वो किसी के अंदर कभी भी आ सकती है। राजा अगर अपराधियों को लेकर भावुक हो जाए कि यार इनके अभी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, तब राज्य नहीं चलेगा, तब स्टेट नहीं चलेगा। कुछ चीजें जो राजा को अलग करती हैं जनता से, इसीलिए तो उसको महल में रखा जाता है, प्रोटोकॉल बनाया जाता है, सुरक्षा दी जाती है, सलाहकार दिए जाते हैं, उसका एक अलग पैराफेर्नेलिया है और वो रहेगा। मारवाड़ और मेवाड़ की कहानी में औरंगजेब ने इतनी गलतियां की हैं कि उन गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। यही लिखा हुआ है इसी किताब में, पढ़िएगा खोलकर। 1678 के अंत तक जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु से पहले, मारवाड़ के हैं जसवंत सिंह, जसवंत सिंह की मृत्यु के पहले उनको कोई बेटा नहीं था, उनकी रानियां प्रेग्नेंट थीं, पर बेटे भी अभी बच्चे पैदा नहीं हुए थे। और नियम यह था कि जब भी किसी राज्य का राजा मरता था तो औपचारिक रूप से मुगल राजा अगले राजा को टीका देता था, अनुमति, प्रशस्ति कि ठीक है आप राजा, औपचारिक, फॉर्मल थी ये बात, फॉर्मल थी, ये कंपलसरी नहीं थी, फॉर्मल थी। अब महाराजा जसवंत सिंह की 1678 में डेथ हुई, जिस वक्त डेथ हुई उस वक्त उनको कोई बच्चा नहीं था। अब नियम के हिसाब से मुगल राजा को जोधपुर के राजा का निर्णय लेना है कि अगला राजा कौन, और औरंगजेब ने शाही सेना भेज दी जोधपुर, शाही सेना भेज दी। चलो अच्छा किया शाही सेना भेज दी कि भाई कमांड ले लो जोधपुर का। वैसे रतिशंकर शुक्ला के मरने के बाद मुन्ना भैया पहुंचते हैं जवनपुर और फिर कहते हैं कि हम जवनपुर का कमांड लेने आए हैं। बस वही घटना घटी कि हम जोधपुर का कमांड लेने आए हैं, अब हम निर्धारित करेंगे कि जोधपुर कौन चलाएगा। अच्छा ठीक, राजा को कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, सेना पहुंची। अब चूंकि जसवंत सिंह काफी धन बकाया थे सेंटर का, बहुत पैसा बाकी थे, और औरंगजेब को थी पैसे की कमी, तो सेना ने क्या किया, शहर की तलाशी शुरू कर दी। ऐसी खबर थी कि महाराजा जसवंत सिंह ने बड़ा धन छुपा रखा है, उस धन को खोजने के चक्कर में शहर की, नगर की, महल की, मंदिरों की, उसमें से कई मंदिर तोड़े गए। अब ये सारी बात आंख बंद करके सुनिए, जसवंत सिंह कौन है, आपके सहयोगी,
आपके मित्र, आपके साथी, उनकी डेथ हो चुकी है, मातम फैला हुआ है, और आपने सेना भेज दी जोधपुर का कमांड लेने के लिए, वो बहुत अच्छा था। आपको पता चला कि जसवंत सिंह ने खजाना छिपा रखा है और आपने सेना को अनुमति दे दी कि खजाना खोजो, और सिपाही सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा, वो भी औरंगजेब के सिपाही। अब खजाना खोजते खोजते इन सिपाहियों ने बड़ा दुर्व्यवहार किया, यानी आपका जो सहयोगी है, साथी है, आप उसके साथ आक्रमणकारी जैसा व्यवहार कर रहे हो। यहीं पर रिफ्ट शुरू हो गई मारवाड़ और दिल्ली के बीच। यह पहली गलती औरंगजेब की। दोस्त है तुम्हारा, साथी है तुम्हारा, यह कौन सा रवैया है? नहीं नहीं भैया, वो खजाना खोज रहे थे तो मंदिर गिराओगे? खजाना खोज रहे हो तो मंदिर गिराओगे? कह नहीं, पुराना मंदिर था, पुराना था, चह जैसा भी था, मंदिर गिराओगे? दुर्व्यवहार करोगे? बदतमीजी करोगे? मुगल सेना ने आक्रमणकारियों जैसा व्यवहार किया, पहली गलती। दूसरी गलती, अब जसवंत सिंह के मरने के बाद, रानियां उनकी गर्भवती थी, तो मरने के बाद उनकी रानियों से दो बच्चे पैदा हुए, उसमें से एक अजीत सिंह। अब ये औरंगजेब पहुंचा अजमेर, डेरा डाला उसने, और वहां पहुंचकर उसने जसवंत सिंह के भाई थे अमर सिंह, उनके पोते इंदर सिंह को राजा घोषित कर दिया 36 लाख रुपया लेकर। ये ध्यान देने वाली बात है, 36 लाख रुपया, पैसे की कमी है इसको, ये ध्यान देने वाली बात है। यहीं पे अटेंशन, यहीं पे ध्यान दीजिएगा। ये खुद अजमेर पहुंचा और इसने जसवंत सिंह के भाई अमर सिंह के पोते इंदर सिंह को राजा घोषित कर दिया, तिलक लगा दिया 36 लाख रुपया लेकर। 36 लाख, 1678, धन की जरूरत है इसको, चारों तरफ विद्रोह चल रहे हैं, आर्थिक संकट चल रहा है, और इसने ग्राउंड यह दिया कि नहीं नहीं, अमर सिंह के साथ गद्दारी हुई थी, अमर सिंह के साथ इनजस्टिस, गद्दारी नहीं, इनजस्टिस हुई थी, तो उस आधार पर अब अमर सिंह के पोते इंदर सिंह को गद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन इंदर सिंह को जन समर्थन नहीं था। जिसको जन समर्थन नहीं है उसको तुम क्यों समर्थन दे रहे हो? रघुनाथ राव 1775 मराठा सरदार पेशवा बनना चाहता है, उसको जन समर्थन नहीं है। जब कंपनी ने देखा कि इसको जन समर्थन नहीं है, उसका साथ छोड़ देगी, भगाओ इसको। जिसको जनता नहीं चाहती उसको तुम लेकर क्यों आ रहे हो? अनावश्यक ईगो क्यों लगा रहे हो? पैसा तो तुम ले ही चुके हो। इंदर सिंह को जन समर्थन नहीं है। कंपनी ने यह गलती नहीं की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव के केस में जन समर्थन नहीं है, साथ छोड़ दिया। घड़ाओ यार, जिसको कोई जन समर्थन, जिसके अपने ही कोई आदमी नहीं उसको हम बाहर जा, क्योंकि जब बिना जन समर्थन के आप किसी व्यक्ति को पीछे सपोर्ट करते हैं तो उस इलाके के लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। और तुम वैसे ही चारों तरफ संकट झेल रहे हो, तुमको क्या जरूरत है यह करने की? और दुर्गादास राठौर और रानी हादी पहले ही सरेंडर कर चुके थे मुगल सेना के सामने, और उन्होंने कहा कि साहब देखो, ये दो राजकुमार पैदा हो चुके हैं, उसमें एक अजीत सिंह साहब है, अजीत सिंह है, हम इनको राजा मानते हैं, हम इनको राजा घोषित कर रहे हैं, हम केयर टेकर रहेंगे। इसने कहा नहीं, इसने कहा नहीं। बस यहीं पे इसने अपनी एक अनावश्यक ईगो लगा दिया, फालतू का, बिना मतलब। जब राठौर समुदाय अजीत सिंह को राजा मान रहा है, राठौर समुदाय, जोधपुर राज्य, तो तुम अपना ईगो क्यों लगा रहे हो? नूरगढ़ के किले में उसने कहा दोनों राजकुमार और सारे राठौर सरदारों को कन्फाइन कर दो, बंद कर दो उठाकर। रानी हड्डी और दुर्गादास राठौर अजीत सिंह को लेकर निकल गए। यहीं से मुगल और मारवाड़ कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया।
अब जब मुगल और मारवाड़ संघर्ष शुरू हो गया, मेवाड़ को बड़ा बुरा लगा कि यार हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, हमारे आंतरिक मामले में क्यों दखल कर रहे हो यार, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमने बनाया मुगल साम्राज्य और तुम हमारे आंतरिक मामले में दखल कर रहे हो। मेवाड़ को बुरा, मेवाड़ के राणा को बुरा लग गया कि गलत बात है, तुम्हें कोई हक नहीं हमारे आंतरिक मामले में दखल करने का, हम तुमको सुप्रीम बॉस मानते हैं यार, तो हमारी जो स्वायत्तता रही है आंतरिक मामले में वो बना रहने दो यार। अकबर के समय बना रहा, जहांगीर के समय बना रहा, शाहजहां के समय बना रहा, तुम काहे नेता बन रहे हो। और मेवाड़ ने जो है रानी हादी को शरण दे दिया, और दुश्मन को शरण देने का मतलब यह कि आप दुश्मन। 1679 में इसने मेवाड़ पर हमला कर दिया, ये देखो 1679 वो समय है जब शिवाजी अपने चरम पर दक्कन में है। 1679 वो समय है जब अफगान विद्रोह अपने चरम पर। 1679 वो समय है जब जाट विद्रोह अपने चरम पर, बुंदेला विद्रोह, सतनामी विद्रोह, और इन सारे विद्रोहों के दौर में तुम अपने सबसे परमानेंट मित्रों से दुश्मनी कर रहे हो। औरंगजेब के पास समझ नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, नहीं है, वो आदमी राजा बनने के लायक नहीं है, है ही नहीं। जिसके पास कॉमन सेंस ही ना हो, एक लेडी ने अपने आदमी को फोन किया, कहा घर पहुंचे? उस आदमी ने कहा पहुंच गए। कहा ऐसा करो, बर्तन मांज लो यार, बर्तन मांज लो, सब्जी काट लो, खाना बना लो, मुझे थोड़ा देर हो जाएगा, और तुम बच्चों को खाना वाना खिला के सुला दो, मैं 11 बजे रात तक घर पहुंचूंगी। रख दिया लेडी ने फोन। फिर 2 मिनट बाद फोन किया, कहा यार सुनो, मैं बाहर थी तो सोच रही थी तुम्हारे लिए एक बॉटल विस्की ले आती, कौन सी ले आऊं? उस आदमी ने कहा यार लेते आना। उस लेडी ने कहा हाँ हाँ, बस बस बस, चेक कर रही थी कि मैसेज तुमको मिल रहा है कि नहीं। कॉमन सेंस, बोली लेने के लिए मैं थोड़ी बाहर आई हूं, ना मैं लेकर आऊंगी, मैं सिर्फ इतना चेक कर रही थी कि तुम जो मैसेज मैं भेज रही हूं वो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, कर लेना सारा काम। इसको कहते हैं कॉमन सेंस, विच इज वेरी अनकॉमन। औरंगजेब के पास कॉमन सेंस नहीं है। अकबर को फॉर्मूला पता है दुश्मन को दोस्त बनाकर यूज करने का, और औरंगजेब को फॉर्मूला पता है दोस्त को दुश्मन बनाकर समस्या खड़ी करने की। और जब तुम उल्टे सीधे आदर्श बनाते हो ना जीवन में, मुसलमानों का सबसे बड़ा आदर्श कौन? हजरत मोहम्मद। उनकी हर बात हर मुसलमान को पता होनी चाहिए, हर बात, हर बात। वो भूखे क्यों रहते थे, वो रोजा क्यों रखते थे, वो उनका व्यवहार क्या था, तैफ की घटना क्या है, और न जाने क्या क्या। स्थाई मित्र, स्थाई, जिन्होंने मुगल साम्राज्य का निर्माण किया। मारवाड़ से आपने ईगो लगा दिया, मेवाड़ के साथ आपने बेवकूफी कर दी। 1779 मेवाड़ पे हमला, 2 ताकतवर राजपूत स्टेटों पर हमला, युद्ध, वो भी तब 1679 कागज में लिख के गोला बनाओ, मारवाड़ मेवाड़, और फिर उस गोले के चारों तरफ लिखो जाट विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, मराठा विद्रोह, अफगान विद्रोह, सिख विद्रोह। यार ये काम तो कोई भी आदमी ना करे। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स, बता चुका हूं। और तुम सारे दरवाजे खोल दिए। दोषपूर्ण और फूहड़ नीति, फूहड़, इस दो शब्द का इस्तेमाल किया एनसीईआरटी ने कि मारवाड़ और मेवाड़ को लेकर औरंगजेब की जो नीति है वो क्लम्सी है, CLUMSY, क्लम्सी एंड ब्लंडरिंग। हिंदी में लिखता है कि मारवाड़ और मेवाड़ के प्रति औरंगजेब की नीति फूहड़। बड़ा अच्छा शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया, औरंगजेब की नीति फूहड़ और दोषपूर्ण। और 1707 में मरने से पहले ये जो राजपूत समस्या खड़ी की, इसका औरंगजेब कोई उचित समाधान ना निकाल पाया, कुछ कर भी ना पाया। सबसे बड़ी बात, कुछ कर भी ना पाया। अजीत सिंह राजा बने,
कुछ कर भी ना पाया, कुछ वसूली भी करना कर पाई, कुछ फायदा भी नहीं हुआ, लेकिन मामले को बिगाड़ दिया इसने उन लोगों के साथ जो मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी की भूमिका अदा कर रहे थे। तो धार्मिक नीति ने उन्माद पैदा कर दिया, राजपूत नीति ने उपद्रव पैदा कर दिया। अब सिखों और मुगलों के बीच जो दरार शुरू हुई वो शुरू हुई जहांगीर के समय, जब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। अपने बायोग्राफी में जहांगीर लिखता है कि कुछ ना कुछ तो गलती मुझसे भी हुई, मानता है वो इस बात को। मैंने कहा ना कि इस देश में कभी संतों को नहीं मारा गया, यही तो इस देश की महानता है। संतों बुद्ध कहते हैं भगवान ईश्वर आत्मा पे चर्चा ही नहीं करनी। कबीर बनारस में बैठे हैं, बनारस में, और वहां कहते हैं पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ों ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। बनारस में कबीर बनारस में बैठ के कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाया और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा भयो खुदा है। बनारस में कितनी सहिष्णु जनता रही होगी, यही तो खास बात है भारत की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन इसका मतलब गाली देना नहीं है। आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसलिए खतरनाक हो गया है कि लोग गाली देने लगे हैं पर्सनल होकर, तो ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मिसयूज है ना। और जिसका भी मिसयूज होगा तब राज्य दंड तो देगा ही। आलोचना लोचन शब्द से बना है, लोचन मतलब आंख, ज्यादा किसी घूर दो तो कहता है लुच्चा, आलोचना मतलब निष्पक्ष होकर देखना, बड़ा प्यारा शब्द है आलोचना। विवेचना, विवेक के आधार पर, विवेक के आधार पर कहानी का निर्माण, विवेचना। तो सिखों और मुगलों के बीच दरार पड़ी जहांगीर के टाइम पर। शाहजहां के टाइम पे थोड़ा सा गुरु हरगोविंद जी से कहा सुनी हुई, लेकिन फिर मामला शांत हो गया और 1675 तक मुगल और सिखों के बीच कुछ नहीं, शांति। गुरु हर राय तो औरंगजेब के दरबार में भी आए। 1675 में एक घटना घट गई, गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनका सर कलम कर दिया गया। 1675 में नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर, उनका सर कलम कर दिया गया। मैं पूरी सिख कहानी सुनाऊंगा जब मैं कल्चर वाले आऊंगा, चिंता मत करिएगा, सबके बारे में बताऊंगा। तो गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया गया और यहीं से वो जो सिख मुगल दरार थी वो भड़क उठी। अब सवाल ये उठा कि क्यों किया उसने, हालांकि उस वक्त औरंगजेब दिल्ली में नहीं था, औरंगजेब अफगान विद्रोह दबा रहा था, लेकिन इतनी बड़ी घटना शहंशाह के इशारे के बिना नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। फिर सवाल ये उठा कि हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ। कई सारी कहानियां हैं, एक कहानी यह है कि कश्मीर का गवर्नर था शेर अफगन, नाम लिख लीजिएगा नारायण कौल, 1704 में उन्होंने लिखा है, कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए हैं कि शेर अफगन नाम का एक कश्मीरी गवर्नर था, वो जबरन बलात् जो है धर्म परिवर्तन करा रहा था। लेकिन तथ्य रूप से यह चीज सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त कश्मीर का गवर्नर 1671 के पास सैफ खान है, बड़ा मानवतावादी आदमी है, बड़ा पुलुल का निर्माण किया, सृजन करता माना गया है वो, तो तथ्यात्मक रूप से यह बात सही नहीं है। कहानी यह भी है कि कुछ पुराने मंदिर मुगलों ने गिराए, उसका विरोध किया गुरु ने, इसलिए गुरु को बलिदान देना पड़ा। लेकिन जो मेन वजह है वो ये है, मेन, कि उस पूरे इलाके में जो किसान थे, मजदूर थे, उनको जब ये जमींदार और महाजन परेशान करते थे तो वो भाग के गुरु के पास पहुंचते थे और गुरु उन्हें शरण देते थे, सिर्फ शरण ही नहीं सहायता देते थे। तो गुरु का जो आश्रम था वो उन लोगों के लिए शरणगाह बन गया जो सताए हुए थे, जो न्याय से वंचित थे। और इस तरह से स्टेट विद इन स्टेट, राज्य के अंदर राज्य की सूचना मिलती है, भाई अगर आप परेशान हैं, ऑप्रेस्ड हैं, सताए हुए हैं, आपको न्याय नहीं मिल रहा, तो आप किसके पास जाएंगे, राज्य के पास।
और अगर राज्य के पास नहीं जाकर आप किसी और के पास जा रहे हैं तो फिर वो आदमी राज्य बन रहा है। और कोई भी राजा स्टेट विद इन स्टेट को कभी कबूल नहीं करेगा। यह मुख्य वजह थी। गुरु का जो बेस था वो रैलिंग पॉइंट बन गया। किसका? सताए हुए लोगों का, न्याय से वंचित लोगों का। और गुरु ने सिर्फ शरण ही नहीं दी, गुरु ने सहायता भी दी। और इसी पृष्ठभूमि में गुरु को हटा दिया गया, लेकिन यह गलत था। यह बहुत बड़ी गलती की औरंगजेब ने, बहुत बड़ी। सिखों की भावनाओं को भड़का दिया। किसी के भी संत को मारोगे, यहां तो क्रिमिनल के मरने पे लोग भावुक हो जाते हैं कि भैया मेरी जात का क्रिमिनल था, भैया मेरे धर्म का क्रिमिनल था। और जब वो भावना भड़की सिखों की, तो अगले गुरु, नौवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, उस भड़की हुई भावना का रूप दिखाई पड़ता है उनके अंदर। 1699 में खालसा का निर्माण। खालसा मतलब शुद्ध, जो मानवता के लिए लड़ेगी, धर्म के लिए। सिख आर्मी नहीं, सिख आर्मी नहीं, सिखों की सेना नहीं, खालसा। कहते ना खालिस सोना है भैया, शुद्ध। 1699, अब गुरु ने 1699 में खालसा की स्थापना की। और फिर ये जो पहाड़ी राजा थे, ये गुरु की मदद लेने लगे अपने आपसी झगड़े में। और गुरु ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया आनंदपुर में, और पहाड़ी राजाओं की मदद करने लगे वो, एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ। और धीरे धीरे गुरु का राजनीतिक दबदबा बढ़ने लगा। अब जब राजनीतिक दबदबा बढ़ने लगा तो ये हिल के पहाड़ी राजाओं को बड़ा बुरा लगा। इन्होंने मिलकर गुरु पर हमला किया, हार गए। जब ये हार गए 1704, तब इन्होंने औरंगजेब से शिकायत की कि साहब ये देखिए साहब, आप मुगल सम्राट हैं साहब, हुकुम ये चला रहे हैं, गुरु जी चला रहे हैं, अपना हुकुम चला रहे हैं। औरंगजेब को कहानियां तो सुनाई पड़ी रही थी, सूचना तो उसको मिली रही थी। उसने कहा हाँ यार, ये तो राज्य के अंदर फिर एक राज्य की सूचना मिल रही है, कोई परेशान है, हमसे आके बताएगा तुम कौन हो तो बीच में डील करने वाले। और औरंगजेब ने वजीर खान को डिप्यूट किया कि जाओ चेक करो, देखो क्या हो रहा है। और वजीर खान ने घेरा डाल दिया गुरु के चारों तरफ। गुरु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं लड़ेंगे मुगलों से, हमको सेफ पैसेज दे दो, हम राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। वजीर खान ने कहा बिल्कुल सेफ पैसेज लो। लेकिन सेफ पैसेज देने के बाद मुगल सेना ने गुरु के साथ धोखा कर दिया। उनके दो बच्चों को कत्ल कर दिया। दो बच्चों को कत्ल किया, दो बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। और यहीं से मुगल और सिख संबंध अपने कुरूपतम स्तर में पहुंच गया। अब तो लड़ना ही है, अब तो तुम्हें मिटाना ही है। हालांकि नवे गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को दसवां गुरु मानकर उस गुरु परंपरा को विराम दिया गया, लेकिन लक्ष्मण दास उर्फ बंदा बहादुर ने मुगलों का जमकर विरोध किया और सिख सपने को पूरा किया महाराजा रंजीत सिंह ने, एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना कर। तो धार्मिक नीति, धार्मिक नीति ने परेशान किया, राजपूत नीति ने उपद्रव किया, सिखों के बर्ताव के साथ पंजाब में मुगल और पंजाबियों के बीच तनाव, आर्थिक संकट चल ही रहा है। औरंगजेब को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना आपसे पिछले एपिसोड में कि मेंस पर क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है। बिल्कुल, आप कहानी को पढ़िए, औरंगजेब को पढ़ना बहुत जरूरी है। जिनके अंदर भी महत्वाकांक्षा है उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, या अच्छे निर्णय लेने वालों के साथ रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही हश्र होगा।
तुम परेशान हो, तुम संकट में हो और तुम चीजों को और बिगाड़े जा रहे हो। भाई मुसलमान ज्ञान लेने जा रहे हैं, लेने दो, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोहम्मद साहब ने कहा नहीं कि अगर पढ़ने के लिए चीन जाना पड़े तो भी जाओ। ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है। सारे मुसलमान स्टूडेंट जो इंडिया में है वो सिर्फ मुसलमान टीचरों से पढ़ेंगे? श्रीकांत यादव के गुरु मंसूर भाई और मंसूर भाई श्रीकांत यादव जी के चपरासी। 1 बजे नहाते थे गंगा नदी में, 1 बजे। करछना में है उनका घर, अब तो पर्दा कर गए, करछना में। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।